गाइस ये है दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस, बोले तो यूएई का। ये हो गया एक्सपायर लगभग 2022 लास्ट दिसंबर तक था, दिसंबर 3 तारीख था और आज 5-6 तारीख हो गया। सो आई हैव टू रिन्यू इट राइट। और रिन्यू करने से कितना साल का रिन्यू होता है, क्योंकि जब नया मिला था तो 2 साल का था, 2 साल कंप्लीट हो गया, अभी कितना साल का मिलेगा, चलो रिन्यू करते हैं, जाके पता करते हैं। उससे पहले आप सबको स्वागत करते हैं, नमस्ते टशी दिले सलाम वालेकुम और स्वागत है आपको एक नए। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए द हैप्पीनेस सेंटर, बोले तो आरटीए हैप्पीनेस सेंटर। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन नज़दीक पड़ता है, कौन सा इमिरेट्स मेट्रो स्टेशन है, आ सकते हैं आप रेड लाइन पकड़ के, ठीक है वो बर्जुमान से या यूनियन से चेंज कर लो। कब वैसे हम देखेंगे आज कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार से, कौन सा प्रोसेस से रिन्यू कराते हैं और कितना टाइम लगता है, कितना फी होता है, वो सब आपको बताएगा। आ जाओ आ जाओ। सो यहाँ से करते हैं, ठीक है अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कहाँ से करना मुझे भी नहीं पता, हमारा भजन से पूछ लेते हैं। वहाँ होता तो कितना लाइन लगती है, कितना टाइम लगता है। यहाँ पे कार्ड प्रिंटिंग इन प्रोसेस, कार्ड प्रिंटिंग इन प्रोसेस, इट्स वेरी कन्वीनियंट। I did not do anything. Giving itself. It's awesome. New? Yeah. This is old and the newest printing now. Okay. Yeah, it's awesome. Very convenient. No need to go anywhere. No. Just come by itself. देखो कितना convenient करके रखा है दुबई गवर्नमेंट ने, awesome. ये आपको पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको लेके भी आप करा सकते हैं। हालांकि मैंने ऑनलाइन सारा कुछ कर लिया था, फॉर्म फिलअप से लेके पेमेंट से लेके सारा कर लिया, तो बस हम कलेक्ट करने के लिए यहाँ आए और वो भी मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। ये देख This is my new, oh my god, इतना गरम गरम है। और इसका वैलिडेशन क्या है, oh my god, 2027, यानी अभी 2022, 5 साल का रिन्यू हो गया मेरा मैन। पर ये रहा पुराना, ठीक है यहाँ में इतना वो नहीं है, अलाउड नहीं, चलो बाहर जाके बात करते हैं। awesome man, 2 मिनट हो गया। So I hope guys यहाँ रह के तो हम लोग थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यदि आप यूएई में है, दुबई हो, शारजा हो, अजमान में हो, है कि नहीं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। आपको कोई क्या कहते हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन मस्त हो जाता है। बस 5 मिनट में आरटीए फाइल में जाओ, आरटीए में जाके वहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन देता है आपको, उसको फॉलो करनी है। और उसमें लगभग पे मैंने किया था 320 दिरहम में मुझे 5 साल का, आप यकीन नहीं हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 से लेके 2027 तक, यानी 5 साल तक का रिन्यू हो चुका है। एंड द कॉस्ट विच आई पेड इज ओनली 320 दिरहम एंड द प्रोसेस वॉज ऑसम, वेरी कन्वीनियंट। आया बस कलेक्ट कर लिया, कुछ भी करना नहीं पड़ा, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट, बहुत सुपर्ब है। और यदि आपका कभी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था, टेंशन मत करो, होने दो। जैसे कि लोग हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, ओ एक्सपायर हो गया अब तो चार्जेस लगे, वो ऐसा नहीं है। मेरा एक्सपायर हुआ लगभग अभी 5-6 दिन हो चुका है, तो मैं आज जाके अप्लाई किया और आज ही मिल गया। आने से पहले मैं रूम में कुछ आरटीए फाइल में गया था, उसके बाद जो भी फॉर्म फिलअप वहाँ कराया, पेमेंट कराना था वो मैंने वहाँ किया, जो मैंने पेमेंट करना था वहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ आया। ये क्या कहते हैं आपका रोड्स ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, बोले तो ये आरटीए का स्मार्ट, क्या कहते हैं, आरटीए का कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर है, जो कि 24 आवर्स ओपन है, आई मीन खुला रहता है। आप जब ये ड्राइविंग लाइसेंस कुछ लेने के लिए चाहोगे और कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर में जाना चाहेगा ना, तो कुछ जगह में रहता है वो 5-6 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ जगह ऐसा भी रहते हैं कि फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिस है तो दफ्तर तो बंद रहते हैं। मगर ऐसा कहीं जगह भी है जहां आपको 24 आवर्स खुला रहता है, तो आपको ऑप्शंस यानी अल्टरनेटिव चेक करना होगा। ओके सो आज के इन्फॉर्मेशन इतना ही है, फाइनली मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया रिन्यू, वो भी 5 साल के लिए। भाई थैंक यू यूएई, थैंक यू, इट्स वंडरफुल, जो प्रोसेस था ऑसम, इट वाज वेरी कन्वीनियंट, थैंक यू दिल से यार, बाय।